सर एक तो आपका नाम आ गया उस प्रकरण में, क्या कहेंगे? नाम क्या आ गया? लोग चर्चा कर रहे हैं, दूसरे संसदीय क्षेत्र के लोग आके प्रेसवार्ता कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जो उन्होंने आधार बनाया नाम का मेरा, एक तो एग्रीमेंट बनाया और एक कभी 2017 में वहां पर एक लिखा था कि चुनाव कार्यालय योगेंद्र उपाध्याय आगरा दक्षिण क्षेत्रीय चुनाव कार्यालय। हाँ, ये बात सही है कि वहां पर वहां के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने जैन साहब से एक कमरे की अनुमति लेकर चुनाव कार्यालय खोला था और चुनाव के बाद वो समाप्त हो गया। इसलिए मेरा क्या मतलब है, चुनाव कार्यालय जहां भी खुलता है वो कब्जा थोड़ी हो जाता है। दूसरी बात ये कि ये जो एक एग्रीमेंट 20 साल पहले का ऋषि गुप्ता के साथ था, ऋषि गुप्ता और हम लोग, मैं भी उसके साथ था, जो 6 महीने बाद उस एग्रीमेंट से अलग हो गया था, जिसको लिखित रूप में ऋषि गुप्ता को दे दिया था, लेकिन फिर भी 1 साल बाद वो अपने आप समाप्त हो गया। पहले लगभग 18 साल 19 साल हो गए उस एग्रीमेंट को समाप्त, तो 20 साल पुराने एग्रीमेंट को आधार बनाया नहीं जा सकता, लेकिन उन पर कोई आरोप लगाने के लिए तथ्य नहीं थे तो उन्होंने इसी को तथ्य बना लिया। और जो आधारहीन और तर्कहीन और निराधार है सब, इसलिए तो मैं नहीं मानता। सफाई का क्या कनेक्शन नजर आता है? मनोज यादव के नाम रजिस्ट्री हुई है जिसमें 5 करोड़ रजिस्ट्री में, 1 करोड़ स्टाम्प में और अन्य खर्चे हुए होंगे उनके। उस वो मनोज यादव यानी मनोज यादव के बेटे प्रियांशु यादव के नाम है। मनोज यादव सैफई परिवार के बहुत निकट है, ये सब पूरी खेल वहीं से हो रहा है। तो आगे और सैफई में रहने वालों के भी नाम आ जाएंगे जो राजनीति से जुड़े हैं? बिल्कुल आएंगे, बताने दीजिए, सबके नाम सामने आएंगे। सीपी की क्या भूमिका नजर आती है आपको? सीपी ने उस समय गलत को वो कराया, कोई भी चाहे सही हो किसी का कब्जा या गलत हो, मैं नहीं कहूंगा आज की जैन साहब की जमीन है, पुलिस उसे कब्जा कराए, जैन साहब कोर्ट जाएंगे, जो कोर्ट तय करेगा वो। ऐसे ही हालांकि मैं आज जैन साहब के साथ मॉरली रूप खड़ा हूँ क्योंकि वो सही है, लेकिन पुलिस ने किस आधार पर रवीश कुशवाहा को दोबारा कब्जा दिलाया जो उन्होंने चौकीदार निकाल दिया, चाहे वो सीपी हो चाहे नीचे थाना इंचार्ज। तो अभी लगता है और कार्रवाई होनी चाहिए, अभी तो सीपी के तमाम एसीपी वगैरह इन लोगों को भी जिम्मेदारी नहीं। अब इसमें जो जिम्मेदार होगा, हमारे माननीय योगी जी ने सबसे पहले सीपी को हटा दिया इस चक्कर में, बाकी और देखेंगे वो। तो आपको लगता है कि संसदीय क्षेत्र बघेल साहब का है और दूसरे जगह जगह से सांसद कोई और जगह से क्यों आखिर? यही आपका ही जो प्रश्न है, यही अपने आप में जवाब है कि कोई व्यक्ति दूसरे संसदीय क्षेत्र में, दूसरे चलो बिरादरी भी उसकी नहीं थी, उसकी पार्टी के भी नहीं थे, क्यों दिलचस्पी ले रहा है, ये आपका प्रश्न ही जवाब दे रहा है। टिकट कट रहा है, लोग बता रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। ये थे हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय। जगदीश पुरा प्रकरण में इन्होंने पूरी तरह से अपनी बात रखी, साथ ही सैफई का कनेक्शन क्या है उसको भी बताया, इसके अलावा पुलिस कमिश्नर की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाया। हिमांशु त्रिपाठी।